नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से इन दिनों देश में हिंसा की आग बढ़ रही है, केंद्र सरकार जो अग्निपथ योजना लाई है उसको लेकर भी आज तमाम राज्यों में हिंसा भड़कती हुई नजर आई है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के ही एडवोकेट भानु प्रताप जी मौजूद है, जिनसे तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। वो अग्निपथ योजना जो आई है उसको लेकर अब कहीं ना कहीं हिंसा भड़कती हुई नजर आ रही है। तमाम तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और जो हिंसा बढ़ रही है उसमें अब बीजेपी सवाल के घेरों में एक बार फिर से आ गई है। मैं मानता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री ने जितना क्रूर मजाक, जितना भद्दा मजाक इस देश के नौजवानों से के साथ में किया है, या जितनी बुरी तरह से उनकी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ की है, ऐसा शायद ही दुनिया में आपको कहीं देखने को मिलेगा। पहले 10 करोड़ नौकरियां 5 साल में देने का वादा किया गया, 2 करोड़ हर साल, आज 8 साल हो गए, 16 करोड़ लोगों को मिल जाना चाहिए था, इस देश में कोई बेरोजगार नहीं रहता। लेकिन पूरे 8 साल में 8 लाख लोगों को भी रोजगार प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, और अब न केवल युवाओं के साथ में खिलवाड़ है, उनकी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ है, बल्कि देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। कभी कोई सोच सकता है कि मतलब इस तरह का भी घटिया और इस तरह का भी मतलब देश के विरोध में कोई फैसला हो सकता, सरकार ले सकती है? अब 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती कर रहे हो अस्थाई तौर पर, टेम्परेरी, जिसमें से आप 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड बता रहे हैं आप, और ये ट्रेनिंग पीरियड उस 4 साल में शामिल है, यानी ये 6 महीने का या साल भर का जो भी ट्रेनिंग पीरियड होगा वो सेवा की शर्तों से अलग नहीं है, उसी में शामिल है, 4 साल की नौकरी में ही शामिल है। 17.5 साल से 21 साल आपने उम्र रख दी है कि भाई ये जो बच्चे हैं वो बच्चे सेना में लिए जाएंगे। अब जरा एक सवाल का जवाब दो, 2 साल कोरोना के कारण सेना में भर्तियां बंद रही, हालांकि इससे पहले जो भर्तियां होती थी औसतन मोदी के आने से पहले औसतन हर साल तकरीबन 80,000 सैनिकों की भर्ती सेना में होती थी, एक रूटीन था, इतने लोग रिटायर होते थे, दैन इतनी होती, तो 80,000 के लगभग भर्ती होती थी। अब क्या हुआ है, 14 से लेकर अब तक भर्तियां आधी हो गई, करीब 45-46 हजार ही भर्तियां हर साल हो रही औसतन इन 8 सालों में, और अब 44,000 भर्तियां कर रहे हैं, और वो भी आप टेम्परेरी। मैं समझता हूं इस देश के बच्चों को, नौजवान बच्चों को तबाह करने का इससे भयानक कोई और प्लान हो नहीं सकता जो मोदी जी ने किया है। सेना में भर्ती केवल 4 साल के, क्या मतलब ये माना जाए कि जो जवानी है, ये यूं कहें कि लड़ने वाली जो उम्र रहती है वो केवल 17.5 से 21 में आप ले रहे हो, तो ज्यादा ज्यादा 21 में भी अगर हो जाएगा आदमी तो 25 साल तक, यानी केवल 25 साल तक व्यक्ति की केवल लड़ने की उम्र 25 साल तक, उसके बाद नहीं। मैं समझता हूं 25 साल तक तो व्यक्ति ग्रेजुएट होकर निकल के चीजों को समझने की कोशिश करता है, उसके बाद उसकी जिंदगी शुरू होती है, और आप उससे पहले ही आपको भूतपूर्व सैनिक करके रिटायर करके घर भेज दो, क्योंकि जा भाई अब तेरी कोई जरूरत नहीं है, और आगे की उसकी जिंदगी तबाह हो जानी क्योंकि रोजगारों से मिलना नहीं है। सर, ये मुद्दे भटकाने की कोशिश तो नहीं है, क्योंकि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर जो मांग है वो तेज हो चुकी थी, और एक तरफ ये अग्निपथ जो ये योजना लाई गई है उसमें कहीं ना कहीं जो नौजवान लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब उसमें शामिल हो रहे हैं, तो मुद्दे भटकाने की राजनीति तो भाजपा नहीं कर रही है? नहीं, मुद्दे भटकाने की राजनीति उसकी हमेशा रही है, और क्योंकि ये मसला इतना जबरदस्त गर्म हो गया नूपुर शर्मा के बयान के बाद में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो हल्ला मचने लगा, तो स्वाभाविक है कि जो बीजेपी है वो बहुत बड़े सवाल के घेरे में थी, बहुत दबाव में थी, ये एक चीज है। लेकिन आप देखिए कि दो मजेदार चीजें हैं, दोनों साथ में हुई हैं। एक तो आप 4 साल के लिए भर्ती ला रहे हो टेम्परेरी, साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया है अगले आने वाले 1.5 साल में,
ये उनका वादा है जो नवंबर 2023 तक पूरा करने की बात की जा रही है। मतलब दुनिया में जो सबसे झूठा व्यक्ति कोई हो सकता है, जिसे झूठ के अलावा कुछ आता ही नहीं है, जो जब भी बोलेगा उसके मुंह से एक शब्द भी निकलेगा तो झूठ ही निकलेगा, वो व्यक्ति 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके नौजवानों को तबाह करके आज उन्हें 1.5 साल में 10 लाख नौकरियों को वादा कर रहा है। जो पूरे 8 साल में 8 लाख नौकरियां नहीं दे सका, वो अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां कैसे देगा? तो ये भी एक बड़ा भद्दा मजाक है। और ये चीजें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जुड़ी हो सकती हैं कि जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने, लेकिन चाहे जो भी हो, पर ये जरूर है कि इस देश का नौजवान, इस देश का जो भविष्य है, इस देश की सेना की जो ताकत बन सकता है, उस सबको पूरी तरह से बर्बाद करने का ये एक बड़ा सुनियोजित प्लान है कि 4 साल के लिए आप सेना में भर्ती कर लो और 4 साल बाद उसको निकाल के बाहर करो, तेरी जरूरत नहीं, अब जा भाई। ये जो स्थिति है ये बड़ी खतरनाक है। और केवल ये नहीं, अगर आप सेवा की शर्तों को भी देखें, बड़ी मजेदार शर्तें हैं। 30 से 40 हजार रुपए पर मंथ आप उनको सैलरी की बात कर रहे हो और रिटायरमेंट पे आप 10,71,000 रुपए एक मुश्त देने की बात कर रहे हो जी सर, ब्याज मुक्त कर मुक्त की बात कर रहे हो। इसका मतलब यह होगा कि आप उससे जो इनकम टैक्स है वो नहीं आप लेंगे, लेकिन जो वो पैसा होगा, वो पैसा भी किसका होगा? वो पैसा भी सैनिकों की ही सैलरी में से काटा जाएगा, क्योंकि 30% हर महीने कटेगा और जो इकट्ठा होगा वो पैसा रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। तो जो रुपल्ली मिलेंगी, आज की तारीख में पैसे की कीमत क्या रहेगी, रुपए की कीमत क्या रहेगी है? कुछ नहीं। और जो 10 लाख या 11 लाख आप दोगे, उसमें उसकी जिंदगी कैसे कटेगी, उसका भविष्य कैसे कटेगा? व्यक्ति की जिंदगी आपने जो नौजवान की तबाह कर दी। आप देखिए, मतलब पहले यह होता था कि व्यक्ति जैसे सेना में भर्ती हो गया और भर्ती होने के बाद ही तुरंत भाई उसकी शादी वगैरह हो जाती कि भाई अब तो जॉब मिल गई उसको। अब जो 75% लोग निकाले जाएंगे, स्वाभाविक है कि उनकी शादी वगैरह का कैसे होगा, उनका भविष्य कैसे होगा, पूरी तरह से अंधकार में है। वो क्या करेंगे कैसे करेंगे, इसका कुछ नहीं। नौजवानों की जिंदगी को तबाह करने का ये जो है अग्निपथ एक प्रोग्राम है और कुछ भी नहीं है। सर, जिस तरीके से नुपुर शर्मा के बयान के बाद हिंसा और पत्थरबाजी हुई थी, उसमें साफ साफ एक कौम को टारगेट किया गया था और कहा गया था कि मुस्लिम समुदाय ने पत्थरबाजी की। आज जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई है, उसमें अब ये सवाल लोग खड़ा कर रहे हैं कि जिन्होंने ट्रेनों को जलाया, जिन्होंने सड़कों को जाम किया, बीजेपी दफ्तर को जलाया गया, उसमें जो लोग शामिल है उसको अब टारगेट क्यों नहीं किया जा रहा है? योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके उन लोगों को बड़े ही प्यार से जो है वो एक प्यार से उन्हें बता दिया है, लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि अगर ये मुस्लिम समुदाय करता तो शायद बात कुछ और होती। देखिए, ये तो लोगों को समझने की जरूरत है। जिस तरह से लोगों को भड़काकर मुसलमानों के खिलाफ खड़ा किया जाता है, यही तो घटिया राजनीति है, यही तो एक राजनीतिक साजिश के तहत मुसलमानों को टारगेट करके वोट बैंक बनाने की कोशिश होती है। असली चेहरा इनका यही सामने आता है तो तभी लोगों को समझना चाहिए कि ये किसी के नहीं हैं, ये अपनी राजनीति के लिए किसी को भी बलि का बकरा बना सकते हैं, किसी की भी बलि चढ़ा सकते हैं, किसी को भी तबाह कर सकते हैं। इन्हें कोई लेना देना नहीं है लोगों के भविष्य से। अगर उन लोगों के भविष्य से ही कुछ लेना देना होता तो कम से कम जो परमानेंट नौकरियां, और ये उस स्थिति में तकरीबन 1.25 से 1.5 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं सेना में, तकरीबन 1.25 से 1.5 लाख, तो पहले कम से कम उन्हें ही भरते। तो लोग जितने नौजवान बच्चे हैं, मैं देखता हूं कई बार आते जाते, चाहे मेरठ की तरफ जाएं, मुजफ्फरनगर की तरफ जाएं, कहीं भी जाएं, तो नौजवान बच्चे जो सुबह शाम दौड़ लगा रहे होते हैं, जो फील्ड है उसमें चक्कर लगा रहे होते हैं, कसरत कर रहे होते हैं, पसीने में तर होते हैं, पूछो सेना में भर्ती होनी है। लेकिन जब सेना में भर्ती का ये हाल है, तब उनके भविष्य का क्या होना है, आप इसको समझ सकते हैं। सो लोगों का, नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने की एक योजना है। और मैं सिर्फ उन सबसे निवेदन करूंगा, कुछ भी बीजेपी के कहने में आने से पहले, बीजेपी का सपोर्ट करने से पहले, मोदी को भगवान मानने से पहले, मोदी की अंधभक्ति करने से पहले, ये देखो कि इन लोगों ने इस देश के नौजवानों का भविष्य किस तरह से तबाह किया है। और ये लगातार कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है जो इन्होंने छोड़ा हो, लगातार ये आपका भविष्य तबाह कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से, मतलब 4 साल के लिए भर्ती, 30 से 40 हजार रुपए तनख्वाह, 30% उसमें से काट लेंगे, 75% को निकाल के 4 साल में बाहर करेंगे, उसके बाद
आप जिंदगी आपकी तबाही तबाह है, कुछ होना नहीं है, कहीं कुछ और मिलना नहीं है। ये स्थिति इसलिए लोगों को समझने की जरूरत है, भाजपा और मोदी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हें कुछ नहीं देंगे सिवाय तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने के। तो चलिए, ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भानु प्रताप जी, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से दिया और ये साफ कर दिया है कि भाजपा जिस तरीके से लोगों को बड़गलाने की कोशिश कर रही है, आने वाले वक्त में ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि जो हिंसा की आग अब इस देश में बढ़ रही है, उस पर आखिर लगाम कब लगेगी? बने रहिए पीआरबी के साथ, धन्यवाद।